मेरे बच्चों को बहुत ही टेस्टी खाने का मन था। उन्होंने बोला, मम्मी 5 मिनट में कोई बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाओ। तो मैंने ये रेसिपी बनाई। आप देख सकते हो कितनी टेस्टी और डिलीशियस लग रही है। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने टोमेटो केचप डाला है और उसमें थोड़ा सा सेजवान सॉस, चिली फ्लेक्स और थोड़ी चिली डाली है। इसके बाद मैंने दूसरी बाउल ली है और उसमें थोड़ा सा प्याज, कटे हुए बारीक हरी मिर्ची, शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और थोड़ी सी पनीर डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक, नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ा सा चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम डाला है और इन सबको एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा सेजवान सॉस डाला है। और अगर आपके पास लहसुन की चटनी हो तो सेजवान सॉस नहीं डालें, मैं भी नहीं डालती हूँ। मेरे पास लहसुन की चटनी नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। इसके बाद मैंने कुलचा लिया है और उसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और बटर लगाया है। और उसके बाद तैयार करा हुआ सॉस, तैयार करे हुए मसाले और मोज़रेला चीज़, और इसके बाद मैंने चीज़ स्लाइस के छोटे छोटे पीसेस करके इसके ऊपर डाला है और उसके ऊपर से मैंने ओरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली है। यहाँ पे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और उसके बाद दूसरे पीस पे मैंने थोड़ी सी बटर और थोड़ा सा सॉस लगाया है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा बटर लगाया है। और इसके बाद ग्रिल पे मैंने थोड़ा सा बटर डाला है और उसके बाद बटर इसके ऊपर डाल के और इसे ग्रिल कर लिया है। आपके पास ग्रिल नहीं हो तो आप इसे किसी पैन में बहुत अच्छे से सेक सकते हो। और इसके बाद गोल्डन कलर होने के बाद इसे मैंने बाहर निकाल लिया। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और ज़्यादा चीज़ें मैंने घर की इस्तेमाल करी है और वेजेज इस्तेमाल करें। आप देख सकते हो ये देखने में कितनी टेस्टी और डिलीशियस लग रही है। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।